आपने अपने आसपास भूतों पर भरोसा करने वाले और ना करने वाले जरूर देखे और सुने होंगे, और अपने नानी और दादियों से उनके बारे में कहानी अवश्य सुनी होगी। लेकिन हम जो आपको आज बताने वाले हैं वो सच, जिसे जानने के बाद आपको भूतों के अस्तित्व का होने या ना होने का पता चलेगा। आज मैं आपको साइंटिफिक वे में बताने वाला हूँ कि भूत होते हैं या फिर वो हमारे दिमाग का भ्रम। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कई लोग कहेंगे कि यार ये बकवास कर रहा है, भूत थोड़ी ना होते हैं। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा ओपन माइंडेड बनिए, और मैं पूरी वीडियो में साइंटिफिक वे में बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आप फिर कन्फ्यूज हो जाओगे। पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर क्या मानते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कि साइंस क्या मानती है, ताकि वो लोग जो भूतों पर यकीन करते हैं वो भी समझ सके, और वो लोग भी समझ सके जो भूतों और प्रेतों पर यकीन नहीं करते। पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो भूतों और प्रेतों को मानते हैं, यानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। उनके हिसाब से भूत क्या होता है? भूत मतलब वो चीज़ जो इंसानी शरीर को छोड़ने के बाद जो एनर्जी रह जाती है, और वह अपना प्रेजेंस किसी परछाई या फिर किसी अजीब बॉडी के शेप में दिखाती है। जो लोग भूतों पर यकीन करते हैं उनके हिसाब से भूत उन लोगों की आत्मा होती है कि इच्छा पूरी नहीं होती या फिर कोई काम पूरा नहीं होता, मरने के बाद भी उनकी इच्छाएं अधूरी रहती है, और फिर वो बुरी तरह से बेचैन हो जाते हैं, और उन्हें जब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, और वो अक्सर उन्हीं जगहों पे दिखती है जो उनसे जुड़ी होती है, जैसे कि कोई घर या फिर कोई विशेष जगह। कभी कभी तो वो किसी व्यक्ति के अंदर भी चली जाती है। ऐसे हजारों नहीं लाखों घटनाएं हो चुकी है इस दुनिया में जिसमें हम सुनते हैं कि भूत ने किसी इंसान को हानि पहुंचाई। हॉलीवुड और बॉलीवुड में कई फिल्में इनके ऊपर बनाई गई है, जिसमें से कुछ एंटरटेनमेंट के लिए है और कई सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है, जैसे कि द एक्सॉर्सिस्ट 1973 में निकली थी, और द कंजरिंग जो कि 2013 में निकली थी। अगर आप हॉरर मूवीज देखने के शौकीन हैं तो आपने इन मूवीज को जरूर देखा होगा। द कंजरिंग में जो लास्ट में पोजीशन होती है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित थी। इससे हमें पता चलता है कि कोई भी आत्मा किसी के अंदर भी आ सकती है, सिर्फ इंसानों में ही नहीं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटरों का ये भी कहना है कि ये किसी वस्तु में भी जा सकती है। द कंजरिंग मूवी में इस डॉल को आपने ज़रूर देखा होगा जिसका नाम है एनावेला। मूवी में तो वो कुछ ऐसी दिखती थी लेकिन असलियत में वो कुछ ऐसी है, और ये आज भी बंद कमरे के अंदर कैद है, और ये गुड़िया दुनिया की सबसे श्रापित चीज़ों में से एक है। भूतों को लेके एक और मान्यता है, अगर किसी आत्मा को आपसे बात करनी है तो वो आपके सामने आके भी आपसे बात कर सकती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से भूतों को टाइम का कोई पता नहीं होता, पर आप ये सोचते होंगे कि भूतों की घटनाएं अक्सर रात को ही क्यों होती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से वो रात को इसलिए आती है क्योंकि रात को ज़्यादा शांति होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस भी कम होती है। इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से भूतों को अपनी प्रेजेंस को बरकरार रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, यानी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, और ये अक्सर सुना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस मतलब उपकरण इनकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देती है। दिन के समय यह डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है, रात के समय यह कम होती है, और इसी के चलते घोस्ट के सारे कारनामे रात को ही होते हैं। स्पिरिचुअलिटी की माने तो भूत प्रेतों का अस्तित्व होता है, और इसके हिसाब से विज्ञान भूत प्रेतों को कभी कैच नहीं कर सकता, इसी वजह से ये विज्ञान के परे है। कुछ लोगों का मानना है कि आइंस्टाइन ने इसका एक्सप्लेनेशन पहले ही दे दिया था, जब उन्होंने कहा था एनर्जी नेवर डिसअपीयरेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, ऊर्जा ब्रह्मांड से कहीं नहीं जाती। इसका मतलब यह है कि ऊर्जा ना बन सकती है ना ख़त्म हो सकती है। मैटर और एनर्जी नेवर क्रिएटेड नेवर डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब यह है कि यदि कोई मरता है तो वो फिजिकली कभी नहीं मरता। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा फिजिकली, इसकी बॉडी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। यह सिर्फ अपना रूप बदलता है, हमारे शरीर के मरने के बाद भी
हमारे सराउंडिंग मैटर को ऑब्जर्व कर लेती है। अगर किसी मरे हुए व्यक्ति को किसी जंगल में दफन कर दिया जाए तो वो डीकम्पोज होके सोयल में मिल जाएगी और वही जाके बाद में एक पेड़ बनेगी और उसी पेड़ को जानवर खाएंगे और उन्हें एनर्जी प्राप्त होगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह बॉडी इस धरती को छोड़कर कहीं नहीं जाती। हमने अपनी फिजिकल बॉडी की बात कर ली, अब आत्मा की बात करते हैं। आखिर आत्मा कहाँ जाती है? जैसा कि मैंने आपको कहा, विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण खत यह कहता है कि एनर्जी कांट बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आत्मा भी एक तरह की एनर्जी है। अगर ये बात सही है तो इसका मतलब आत्मा कभी नहीं मर सकती और इसका मतलब बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी और सारे न्यूट्रिशन धरती के भीतर में मिल जाएंगे और जो आत्मा है वो हमेशा जीवित रहती है। पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि यह केवल एक थ्योरी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। क्या आपने कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना है? नियर डेथ एक्सपीरियंस एक इंसान की ज़िंदगी के सभी एक्सपीरियंस में से एक है। दुनिया में कई लोगों का दावा है कि वो मर के भी दोबारा जिंदा हो गए और ख़ासकर हमारे भारत में भी इसके हजारों केसेस हैं। इनके हिसाब से मरने के बाद अजीब तरह की लाइट दिखती है और समहाउ ये अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। इसका मतलब मर के जिंदा होना है। कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस में परियों को देखने का भी दावा किया है। डंकन मैकडोंगल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कमाल का एक काम किया था। उन्होंने प्रेजेंट केस मरने से पहले एक आदमी का वजन किया और मरने के बाद की जब उन्होंने रिजल्ट को देखा तो 21 ग्राम का फर्क नज़र आया। मरने के कुछ सेकंड बाद शरीर का वजन 21 ग्राम कम हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। पर लोगों को लगा कि ये थ्योरी सही नहीं है। बॉडी के कई मेथड मेटाबॉलिक प्रोसेस के जरिए शरीर का वजन कम होता होगा, जस्ट साइंटिफिक। पर अजीब बात यह है कि एक दो नहीं, जितने बार इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो हर बार अलग अलग पेशेंट में 21 ग्राम का ही वजन कम हुआ। ये सोचने की बात है, मरे हुए इंसान का वजन कितना भी हो पर हर बार 21 ग्राम ही कम हुआ। आखिर इसी के चलते ये 21 ग्राम थ्योरी के नाम से फेमस हुआ, क्योंकि इस थ्योरी में सच्चाई दिखती है और ये इस बात को भी प्रूफ करती है कि मरने के बाद कुछ तो होता है जो इस शरीर को छोड़ चला जाता है। जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको बताया था उसकी बात करते हैं कि विज्ञान के दुनिया के वो लोग जो आत्माओं पे यकीन नहीं करते, उनका यह कहना है कि मरने से पहले किसी इंसान के ब्रेन में जो एक्टिविटी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने लगती है और उसी के चलते लोगों को भ्रम होता है कि उन्होंने लाइट को देख लिया। तो यही शायद नियर डेथ एक्सपीरियंस है। और अब बात करते हैं उस एक्सपीरियंस की जिसमें आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। साइंटिफिक टर्म में हम इसे साइचिंग स्टेरिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर हॉन्टेड हाउस की बात करें तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि घरों में ऐसी अजीब गरीब चीज़ें होने लगती है? पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की माने तो जब कोई बड़े दर्द और इमोशन के साथ मरता है तो उसकी आत्मा घर के अंदर की चीज़ों जैसे फर्नीचर, डॉल और गुड़ियों में ऑब्जर्व की जाती है। इसलिए आप कभी किसी हॉन्टेड जगह पे विजिट करोगे तब आपको बड़ा ही अजीब लगेगा और अजीब सी इमोशनल फीलिंग होगी और ऐसा लगेगा आत्मा के दर्द को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। घोस्ट साइटिंग पे आते हैं। इस दुनिया में हजारों लोग जिन्होंने घोस्ट को देखा, सो कॉल्ड भूत की जो फोटो पब्लिश की जाती है और वो ज़्यादातर फेक होती है, ज़्यादातर डर फैलाने के लिए फैलाई जाती है। हम ओइजा बोर्ड की बात को गलत नहीं ठहरा सकते। ये एक ऐसा टूल है जो सुपर नेचुरल एक्टिविटी से बात करने के लिए यूज किया जाता है। आप चाहो तो खुद एक ओइजा बोर्ड खरीद सकते हो और आत्माओं से क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा, ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो कन्फ्यूजन ये निकलती है तो साइंटिफिक की लॉस को माने तो आत्माएं होती है। साइंस के एक्सप्लेनेशन ग्रुप इनके एक्सिस्टेंस को नहीं मानते। इनके हिसाब से ये दिमाग का भ्रम है और इनके एक्सिस्टेंस को हम साइंटिफिकली प्रूफ भी नहीं कर सकते। पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटरों का
ये मानना है कि ये सच में होते हैं और इसी के चलते दुनिया में ये पोजीशन की घटनाएं होती रहती है और आत्मा किसी इंसान के अंदर चली जाती है। और पर्सनली मैं उस ग्रुप में आता हूँ जो आत्माओं वगैरह पर यकीन करते हैं, क्योंकि गांव में मैंने ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी है जो कि भूतों से रिलेटेड होती है।